मैं अपनी चाय अलग बना रही हूँ, बाकी सबकी चाय अलग बन रही है। किसने बनाया बताओ, ये रूल मैंने बनाया, मैंने बनाया। भला है बुरा है जैसा बहुत प्रताड़ित करती है मेरे को। आज आप मेरे पक्ष में हो कि इनके पक्ष में हो? दीदी सही बता देना, बिल्कुल हमारे तो ये अकल का काम होता है। नहीं, अकल उसके बाद जो सिटी पहुंचने के बाद में जो दुकानों में घुसते हो तो होली खेली आप लोगों ने। ये देखो ये गले है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अपनी चाय अलग बना रही हूँ, बाकी सबकी चाय अलग बन रही है। ये देखो, ये सबकी बन रही है और ये मेरी बन रही है। तेरा खाना भी अलग बनेगा, मैं सबको आटा वाटी हो गया। मैं अपनी चाय बनाऊंगी, स्पेशल चाय बनाऊंगी अपनी, गुड़ वाली। है ना गाइस, बहुत दिन से नहीं थी मैंने स्पेशल चाय। मतलब क्या? मतलब क्या डांट पड़ी है यार आप लोगों को, क्या बताऊं अंदर की बात, डांट पड़ी आज मम्मी से। चलो कहाँ गया, हम लोग रॉड से पानी गर्म करते हैं। वो देखो वो रखिए, बच्चों के लिए थोड़ी सी अनसेफ होती है, दूर रखना पड़ता है, हाथ वगैरह ना डालें, सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए मैं हीटर वगैरह भी नहीं रखती हूँ। ताशी बड़ी तो हो गई लेकिन फिर भी अगर ध्यान ना रहे और रूम में रह जाए, बालकनी का दरवाज़ा भी मैं लॉक रखती हूँ, सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती क्योंकि बच्चे बड़े हो जाए लेकिन फिर भी डर रहता है अंदर से। वो मुझे तो बहुत ज़्यादा, ताशी को लेकर तो मैं कोई भी लापरवाही नहीं कर सकती। बालकनी भी इतना गैप है, इसको कवर करवाना था लेकिन अब तो खैर घर ही शिफ्ट करना है। हमारे यहाँ गणेश चतुर्थी व्रत की तैयारी हो रही है, आपके यहाँ भी आज व्रत होगा। मैं हो गई हूँ रेडी और निकल रही हूँ फटाक से बुटीक के लिए, और वहाँ से फिर मेरे को नीतू दीदी से भी मिलना है। मैं पिछली बार भी मिलने गई थी तो मैंने यही सूट पहना था, मेरे को अब भी ध्यान आया, तब मेरे को कोलाब्रेशन करना था, बहुत ज़रूरी काम है नीतू दीदी के साथ मुझे, बहुत ही प्राइवेट सीक्रेट काम करते हुए। देखो साबुदाने की खिचड़ी नहीं मिल रही। नहीं मिल रही? नहीं, 160 मेरे को तो मिल रही है। मैं साबुदाने की खिचड़ी खाएगी। अभी तुम जा रही हो ना कहीं? जा रही हो ना कहीं? क्यों जा रही हो? मैं बुटीक जाऊंगी, बुटीक से जाऊंगी नीतू दीदी से मिलने, काम है मेरे को बहुत सीक्रेट तो वाला। सीक्रेट वाला काम है ना, वहीं जा रही हूँ ना। तो दीदी वो जहाँ से अपन लोग वो लेते हैं ना डीओ, मैं नहीं जा रही हूँ उस दुकान, नहीं जा रही उस दुकान में, उस रास्ते नहीं जा रही, उस गली नहीं जाऊंगी मैं। 200 रुपए चक्कर तो कैसे कर देती है दीदी मेरे को यार। पता है इसके साथ मार्केट जाओ ना, इसलिए तो मैं अकेली मार्केट जाती हूँ। मैं ऑटो करना मेरे को मंजूर है, इसके साथ जाऊँ तो 1000 का सामान मैं लूँ, 2000 का ये लेगा, ये कौन सी बात होती है भाई। सिटी घुमा दूंगा, एक हफ्ते तक गाड़ी काम आएगी। तो ये अकल का काम होता है, सिटी पहुंचने के बाद में जो दुकानों में घुसते हो तुम, ये करके उसका। और पता है कभी कभी जब मेरा गूगल पे फोन पे काम नहीं करता, मेरे पास नेट नहीं होता है तो मुझे वाईफाई दिया जाता है कि लो पेमेंट करो। दीदी का नेट खत्म हो गया था, दीदी मुझसे बोलती है 150 रुपया देना था मेरे को, 150 रुपया देना था तो चीनू पेमेंट कर देना। तो मैंने धीरे से दीदी का फोन लिया, फोन पे वाला अपना वाईफाई ऑन किया, उनका वाईफाई कनेक्ट, वाईफाई दे दिया उसने मेरे को पेमेंट, वाईफाई दे दिया 150 रुपया भी तुम दोगे। फिर आप लोग बोलते हो साला क्यों बोलती है। मगर दीदी अभी जाओ सही में, एक बार चले आना ना। मैं सिटी उधर नहीं घुस रही, मैं जा रही घोड़ा नक्काश। तो घोड़ा नक्काश वहीं से निकलते हैं बहन, वही इलाके से घोड़ा नक्काश निकलते हैं अपन। मेरे को नीतू दीदी के साथ में बहुत सीक्रेट काम है। अरे तो मेरी माँ सीक्रेट काम है तो वही एरिया से तो निकलोगे, उसके सामने से निकलोगे। क्या करना है तो? एक डीओ बोलूंगा ले आना। देखूंगी मैं, क्योंकि आज हमारा आधा काम होएगा, आधा काम परसों आएगा। मैं कल क्योंकि अपने को और दूसरी जगह देखो गाइस, कभी भी याद रखना परफ्यूम की चीज गिफ्ट नहीं करते किसी को, सुगंधित चीज। तो तू तो कितने गिफ्ट ले चुका साले मेरे से। मैं अभी 10 रुपए ट्रांसफर कर दूंगा दीदी को, मुझे 10 रुपए का डीओ की। बहुत ही अच्छी सुबह के साथ में, बहुत अच्छे मूड के साथ में जब नींद पूरी हो जाती है तो मूड हमेशा अच्छा होता है, और कल मेरी नींद पूरी हो चुकी है इसलिए आज सुबह मैं जल्दी भी उठ गई थी और मैंने अपने हाथों की चाय भी पी। इसी के साथ में ठंड थोड़ी कम है और हम निकलते हैं अपने काम के लिए। उसको मारो क्यों, जब मैंने पूछी थी तब नहीं,
दीदी कैसा मुंह कर रहा, मुंह बता देगा कैसे तो यहाँ पर डांट खाते हुए हम सभी लोग इकट्ठा डांट खाते हुए मम्मी से आज सुबह भी मैंने बहुत डांट खाई है। तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हो। इसको मजाक उड़ाना नहीं बोलते हैं, इसको मजाक करना बोलते हैं। रूल मालूम क्या निकाल दिया पता है कि नहीं, सुबह उठो खुद अपनी अपनी चाय बना के। ये रूल उनने नहीं बनाया, ये रूल मैंने बनाया। किसने बनाया ये रूल? मैंने बनाया, मैंने बनाया। अपनी अपनी चाय स्वयं बनाएंगे, कोई किसी को चाय नहीं देगा, ताकि सब लोग टाइम पर उठ के, क्योंकि अब मुझे मेरी सेहत का ध्यान रखना है। ये रूल किसने बनाया मैं बताऊंगा बहुत जल्दी बताऊंगा मैं अभी नहीं। नहीं, सेहत का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैं सबकी सेहत का ध्यान रखूंगी, मुझे सबकी चिंता है। मैं सिर्फ मैं क्यों तंदुरुस्त रहूं, सबको तंदुरुस्त रहने का हक है। आइए आपका इंतजार था, आइए। क्या हो रहा चाचा? और मैं बहुत जल्दी बताऊंगी आपको। इटारसी में मेरी जॉइंट फैमिली थी, मैंने आपको अपना घर दिखाया है, लेकिन सभी लोगों से नहीं मिलवा पाई, सब लोग नहीं थे उतने टाइम पर। तो वहाँ पर पूजा साथ में होती थी जब हमारी दादी बाबा थे, तो वैसे वो हमारे साथ अभी भी हैं, हमेशा रहेंगे। कभी भी कोई किसी की ज़िंदगी से जाता नहीं है, आशीर्वाद प्यार हमेशा रहता है उनका। तो जब वो लोग इटारसी वाले घर में थे ना, तब इकट्ठी सब पूजा पाठ होती थी, बहुत अच्छा लगता था। पर अब सब समय के अकॉर्डिंग सब अलग अलग हो गए हैं, घर अलग अलग हो गए हैं, अलग अलग ऐसे दिल से तो नहीं हुए, तो वो समय बहुत याद आता है। इसमें मैं ऐसे शोभा लिखूंगी पूरे में, और इसको आप अपने तेल वाले बालों में नहीं यूज करो। नहीं, प्लीज टॉक टू माय हैंड, ये मेरा है। रुको तो सही बोला, ऐसा करो ढाक के देखो समझ में आ जाएगा। हां मैं चलो मैं आज सुबह कौन सा गाना गा रही थी? भला है बुरा है जैसा भी है। बहुत प्रताड़ित करती है मेरे को, मैं प्रताड़ित भगवान थी। पापा चाचा सच्ची कह रहा हूं, चाचा मैं इतनी प्रताड़ित होती हूं, मैंने आज तक नहीं बोला, मैं बस सारी चीजें रिकॉर्ड करके। चाचा बहुआ होती है ना, बहुए यहाँ, बहुए नहीं होती यहाँ, बेटे होते हैं। हाँ मैं बताऊंगा कैसे, मैं बताने जाऊँ ना मैं तो प्रताड़ित बेटा, हमारे खिलाफ हमारा कोई लॉ बना ही नहीं कि मैं किसी खिलाफ कंप्लेंट करूँ। करो जाओ जाओ, सुबह तक कसम है अपने बालों की कसम, टूटते हुए बालों की दीदी तुम, मैं झूठ निकला अगर मैं रात वाला जो हम लोग रहते हैं ना, रात वाला मैं शूट करके बता दू ना, आप लोग मेरे को सच में बेचारा समझ रहे हो। कमरे में रहती दीदी, आपको आज तक ऐसा लगा मैंने आपके भाई को प्रताड़ित? आज आप मेरे पक्ष में हो कि इनके पक्ष में हो? दीदी सही बता, सच बता देना बिल्कुल। मैं तो तेरे पक्ष में, अपने कार्यों में कार्यरत होते हुए। चुप रहे सिद्धांत, ब्लॉग चालू है। बहुत ही सीक्रेट सिद्धांत है उसका, हम आपको नहीं सुना सकते। वो पर्सनल बातें चल रही है रानी, वो हो जाएगा नहीं क्योंकि हाँ हो जाएगा, हाँ मिलियन लाख भूसे भूसे पड़ जाएंगे, लोग मिलियन लोग वहाँ से कहाँ आ जाएंगे। हम भाई बहन भी आपस में चुगली करते हैं ना, यू नो भाई बहन वाली चुगली। क्यों चाची क्या बना रहे हो? अरे गणपति। होली खेली आप लोगों ने? ये देखो चेहरा दे, फट से हो गई। हम लोगों ने होली नहीं खेली थी ना अच्छे से पिछले साल, बस मेरा मुंह बच गया क्योंकि मैं ऐसे खड़ी थी, तो पच में मम्मी के साथ लाओ, चार दिन कोलैबोरेशन नहीं कर पाती। पूजा पाठ करना
हाँ मैं निकल रही हूँ, बाय बाय सुबह, बाय बाय चाची, बाय बाय। चीनू को तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई बहन जा रही है, कोई चिंता नहीं है। सामान का बोल, दीदी जा रही है तो सामान का बोल दो। किधर है अटोल भाई? उधर। ठीक है गाइस, तो इस ब्लॉग को करते हैं एंड। हमारे घर में चलेगी पूजा पाठ, गणेश चतुर्थी का व्रत है सभी लोगों का। देना पहुंच जाओ तो ठीक है मम्मी, आप वैसे भी कैमरा में देख लोगी। नहीं वहाँ तो देखेंगे, बुटीक जाएगी नहीं वहाँ पर, सिटी जाएगी तो। हाँ पहले बुटीक जाऊंगी, उसके बाद दीदी के अकॉर्डिंग निकलूंगी। कुछ खा लेना वहाँ पर। ठीक है, मिलते हैं गाइस आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। आ जाइए भैया, इधर से जाए।